आरजेडी छोड़ देना चाहिए? देखिए आरजेडी तो अब उनको समाप्त यूज करके थ्रो कर दी है, आरजेडी में तो उनको अब जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। साहबदीन साहब ने हमको दो झापड़ मारा, दो बार हरा करके हमने बदला, पुनर्विचार किया जाए। आप उनके पति की बात कर रहे हैं, अजय सिंह पे कई मामले दर्ज हैं, 36 मामले दर्ज हैं, हर जात के लोगों का अपहरण, हर जात के लोगों की हत्या, हर वर्ग के लोगों के साथ रंगदारी लेने का अनेकों आरोप है, हम नहीं कर रहे थे। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन सर का प्रताप तो कारण हुआ, आपने आप जानते हैं तिहाड़ जेल गए तो जब इन लोगों की सरकार थी, तो क्या कहेंगे इस पर? कहाँ मुझे कोई बुला कर कुर्सी नहीं देता, राजनीति में अपनी शक्ति का प्रदर्शन। ओम प्रकाश तो जीवन में कभी जेल गया नहीं। इस खबर के प्रायोजक है ग्लोमैक्स अस्पताल। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। कविता सिंह, महागठबंधन से आएंगे तो फिर हम लोग विचार करेंगे, अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहेंगे कि इन्होंने 5 साल कोई काम किया नहीं है, ना इनका पति कहीं न्योता हकारी में गए हैं, न किसी के दुख सुख में गए हैं, इसलिए फिट फॉर कैंडिडेट नहीं है। इस पर पुनर्विचार, अजय सिंह पे कई मामले दर्ज हैं, 36 मामले दर्ज हैं, हर जात के लोगों का अपहरण, हर जात के लोगों की हत्या, हर वर्ग के लोगों के साथ रंगदारी लेने का अनेकों आरोप है, हम नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश तो जीवन में कभी जेल के लोग कभी जेल गए हैं, हमारे परिवार में भी आज तक कोई जेल नहीं गया। हम जेल जाने से इतने नहीं करते हैं, लेकिन कोई गलतियाँ नहीं करते, हमको कोई एक झापड़ मार लेगा, साहबदीन साहब ने हमको दो झापड़ मारा, दो बार हरा करके हमने बदला ले लिया, बदला नहीं लेते हैं कि हिंसा से हिंसा का। एक आखिरी सवाल चूँकि आप बहुत जानकार हैं, जब आरजेडी की सरकार थी तो मोहम्मद शहाबुद्दीन सर का प्रताप तो कारण हुआ, आपने आप जानते हैं तिहाड़ जेल गए तो जब इन लोगों की सरकार थी, तो क्या कहेंगे इस पर? कहाँ सिर्फ आरजेडी ने इस्तेमाल किया, आरजेडी के वो संस्थापक नेताओं में शहाबुद्दीन साहब थे, अपने कंधों पर आरजेडी का भार सिर्फ सीवान में नहीं, बिहार के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में उनके शुभचिंतक लोग आरजेडी के लिए मरने और करने काम करते थे, नेक दिल के आदमी थे, लेकिन शरीफ की बात नहीं सुनते थे, शरीफ की बात सुने होते तो शुभ साहब की तरह आजीवन सांसद रहते, वो अपराधियों की बात ज़्यादा सुनते थे, भैया अमुक आदमी गाली देतला मार दो के पहले दोसर सुन लो, दोसर जाकर ठोक दल के, यही उनमें कमी थी। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ये कि हिना शहाब को आपकी नज़रिए देखने में क्या करना चाहिए, चूँकि आप तो अब सब कुछ जान चुके हैं और राजनीतिक बहुत उतार चढ़ाव भी कहा है, आज भी कह रहे हैं और राजनीतिक बहुत उतार चढ़ाव देखे भी, हमने भी पहले भी कहा है आज भी कह रहे हैं, राजनीति में कोई बुला कर कुर्सी नहीं देता, राजनीति में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हम निर्दलीय जीत कर नहीं गए होते तो न भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती, न प्रदेश उपाध्यक्ष बनाती, बात सही। आरजेडी में रहना चाहिए, आरजेडी तो अब उनको समाप्त यूज करके थ्रो कर दी है, आरजेडी में तो उनको अब जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने शक्ति का एहसास करा देंगे कि थोड़ा सा इशारा मिला तो गोपालगंज हम लोग जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि हमारे साथ जो प्रकाश यादव जी थे, काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, जो जो मेन चीज़ें आजकल 2024 में लगी हुई हैं उसी को लेकर के जो जनता जानना चाह रही थी, तमाम वो लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, उस पर ओम प्रकाश यादव ने पूरा खोल कर रख दिया है। जो लोग खबर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि 9 तक बिहार इस तरह का तमाम